महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन गोरखनाथ मंदिर स्थित दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, विशिष्ट अतिथि राज्यपाल राम नाईक के अलावा महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह सहित अन्य अतिथि और शिक्षक तथा छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन अवसर पर आयोजित समारोह में अतिथियों का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मेधावी छात्रों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अपने हाथों से पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नाथ परंपरा के महान योगी गुरु गोरक्षनाथ की स्मृति में जुड़े राप्ती और रोहिन नदी के क्षेत्र में बसा गोरखपुर में आना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि उससे भी बढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए कार्यक्रम में शामिल होना सुखद संयोग है। महामहिम ने कहा कि शिक्षा ही अच्छे व्यक्ति और समाज के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान होता है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने जो भी कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के लिए किया है वो सराहनीय है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। अपने संबोधन में विशिष्ट अतिथि राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि महंत दिग्विजय नाथ ने शिक्षा और सेवा के रूप में जो बीज रोपा था उसे महंत अवैधनाथ ने बट वृक्ष का रूप दिया। उसी को आगे बढ़ाते हुए महंत योगी आदित्यनाथ के द्वारा शिक्षा और सेवा का ये अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इसमें कोई भी अयोग्य नहीं होता। सभी लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार है। शिक्षकों के स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार इस बार प्रदान किया जाता है दिव्यनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिविल लाइन्स गोरखपुर के डॉक्टर नीरज कुमार सिंह, योगराज बाबा गंभीर नाथ स्वर्ण पदक, योगराज बाबा गंभीर नाथ स्वर्ण पदक, डॉक्टर नीरज सिंह दिव्यनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर। इसके बाद करिश्मा वारसी ब्रह्मले मान दिव्यनाथ स्वर्ण पदक, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत तथा शिक्षा क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों में चतुर्मुखी योग्यता के आधार पर स्नातकोत्तर के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है। इस पर दिव्यनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर की एम काम प्रथम वर्ष की छात्रा करिश्मा वारसी। इसके बाद श्रेया त्रिपाठी स्नातक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को प्रदान किया जाने वाला ब्रह्मलीन मान अवैधनाथ स्वर्ण पदक, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत तथा क्रीड़ा शिक्षा और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में चतुर्मुखी योग्यता प्रदर्शित करने वाले छात्र। इसके बाद मेवाड़ स्वर्ण पदक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल स्तर पर सर्वश्रेष्ठ छात्र छात्रा को दिया जाता है मेवाड़, महाराणा मेवाड़ स्वर्ण पदक इस बार दिया जाता है। कृष्णा मणि त्रिपाठी महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स गोरखपुर को कक्षा 12 की छात्रा। इसके बाद संस्कृत भाषण प्रतियोगिता
कनिष्ठ वर्ग में जो कक्षा 8 तक की संपन्न होती है, इस वर्ष कनिष्ठ वर्ग में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रथम स्थान प्राप्त किया है मानस मिश्रा कक्षा 8 सरस्वती शिशु मंदिर माध्यमिक विद्यालय सुभाष चंद्र बोस नगर गोरखपुर। इस बच्चे को प्रथम पुरस्कार और चल वैजयंती सरस्वती शिशु मंदिर माध्यमिक विद्यालय सुभाष चंद्र बोस नगर को प्रदान किया गया। इसके बाद हिंदी भाषण प्रतियोगिता के कनिष्ठ वर्ग जो कक्षा 8 तक की संपन्न होती है, इसमें इस वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है उदयांश कुमार पांडे कक्षा 8 सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुभाष चंद्र बोस नगर गोरखपुर। उदयांश कुमार पांडे कक्षा 8 सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर। इसके पश्चात अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता कक्षा 8 तक की ही ऐशानी पांडे कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल कूड़ाघाट प्रथम स्थान और संस्थागत वैजयंती भी आर्मी पब्लिक स्कूल कूड़ाघाट। जन जागरण के सूत्र धन में समाज की एकता देश की एकता और अखंडता तथा इस क्षेत्र के लोगों को अज्ञानता व अशिक्षा से मुक्ति दिलाने के लिए गोरखनाथ पीठ से जुड़े महानुभाव ने परिस्थिति व तत्कालीन समय के अनुसार महत्वपूर्ण योगदान दिया। आजादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ी आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का जो एक अभियान शुरू हुआ, उसमें महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित BHU से लेकर महंत दिग्विजय नाथ द्वारा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना उसी शिक्षा अभियान के ज्वलंत उदाहरण है। सन 1932 में इस परिषद की स्थापना गोरखपुर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विकास को गति और दिशा प्रदान करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। महाराणा प्रताप परिषद ने अपने दो महत्वपूर्ण विद्यालयों, यद्यपि ये सब लोगों को जानकारी होगी लेकिन मुझे लगा कि इसका उल्लेख करना जरूरी है, अपने दो महत्वपूर्ण महाविद्यालयों का गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्ण विलय करके निर्माणाधीन विश्वविद्यालय को एक बना बनाया परिषद उपलब्ध कराया था। आज इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है। संयोग से परिषद के सेवा कार्यों को भी योगी आदित्यनाथ जी अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि उनकी सक्रियता के कारण ही गोरखपुर नगर को गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय जैसा एक बड़ा एवं अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्र प्राप्त हुआ है। मुझे ये जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि आज परिषद द्वारा शिक्षा एवं समाज सेवा के लिए कार्यरत लगभग 44 संस्थान चलाए जा रहे हैं। गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज द्वारा तकनीकी और मेडिकल शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ एम्स का निर्माण भी प्रगति है, जिसके पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद इस क्षेत्र में चिकित्सा और मेडिकल एजुकेशन के स्तर में वृद्धि होगी। यहाँ टेक्निकल मेडिकल और प्रोफेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में अनेक निजी संस्थान भी अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इन संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया जाएगा और युवाओं को समय की मांग के अनुसार और भी अधिक समर्थ बनाया जा सकेगा। प्यारे विद्यार्थियों, विपुल योगदान की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। प्यारे बच्चों, शिक्षा विकास की कुंजी होती है। भारत के विकास का अर्थ है कि भारत में शिक्षा का विकास। शिक्षा ही अच्छे व्यक्ति और समाज के निर्माण की आधारशिला भी होती है। सही मायने में उसी समाज और व्यक्ति को शिक्षित माना जा सकता है जहां प्रेम, करुणा और सद्भाव जैसे मूल्यों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षा के इस व्यापक अर्थ के अनुसार गौतम बुद्ध हो या संत कबीर हो, वो भी महान शिक्षक थे।
ये इस अंचल का सौभाग्य है कि गौतम बुद्ध से जुड़े कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु और लुम्बिनी तथा संत कबीर से जुड़ा मगहर जो संत कबीर नगर में है, गोरखपुर के ही परिक्षेत्र में स्थित है। कभी कभी मैं कहता हूं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा वो चीज होती है जो एक बालक या बालिका को तरुण होते होते अच्छा इंसान बनाती है, और जब अच्छा इंसान बनेगा तो जहां जिस क्षेत्र में भी जाएगा, यह शिक्षक बनेगा तो अच्छा शिक्षक होगा, डॉक्टर बनेगा तो अच्छा डॉक्टर बनेगा, यदि साधारण कर्मचारी भी होगा तो साधारण कर्मचारी अच्छा, राजनेता बनेगा तो अच्छा राजनेता। अर्थात शिक्षा की जो एक मूलभूत कसौटी है वो अच्छे व्यक्तित्व, अच्छा व्यक्ति होना उसके लिए प्री रिक्विजिट है। भक्ति आंदोलन से लेकर 1857 के स्वाधीनता, ये स्पष्ट है कि इस परिषद के संस्थापकों ने बहुत सोच समझ कर इसे महाराणा प्रताप के नाम से स्थापित किया होगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि असाधारण राष्ट्र गौरव, वीरता और आत्मसम्मान के प्रतीक महाराणा प्रताप ने जन भावना की रक्षा करने के लिए हंसते हंसते वनवासी जीवन के असहनीय कष्टों को सहन किया था। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर आजीवन संघर्ष करते हुए पराक्रम और बलिदान के एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय की रचना की है जो सदैव हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आप सबके कार्यों की सार्थकता की पुष्टि तब होगी जब उनमें महाराणा प्रताप के जीवन आदर्शों के अनुपालन की झलक सदैव दिखाई पड़ती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि परिषद द्वारा सन 1981 से हर वर्ष ये संस्थापक सप्ताह समारोह मनाया जाता है, जिसमें हजारों विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। संस्कृति के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति समर्पण तथा सामाजिक कार्यों के लिए तत्परता पर बल देकर परिषद द्वारा युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण में सराहनीय योगदान कर रहा है। यह समारोह इस परिषद के संस्थानों से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए संस्थापकों के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था को दोहराने का भी अवसर होता है। मुझे विश्वास है कि इन महान विभूतियों के नाम से आज पदक प्राप्त करने वाले सभी हमारे विद्यार्थी देश के भविष्य के लिए अपना सार्थक योगदान देंगे, साथ ही वो अपने संगी साथियों में भी प्रेरणा का संचार करेंगे। देश में युवाओं की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी संपदा है। इस यंग वर्क फोर्स के बल पर प्रदेश की उपजाऊ जमीन, प्रचुर जल संसाधन, बहुत बड़ा घरेलू बाजार तथा अच्छी कनेक्टिविटी जैसी अनेक विशेषताओं का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रदेश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए नई नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड, आईटी पार्क्स तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों पर विशेष बल दिया जा रहा है। युवाओं को जॉब क्रिएटर बनने के लिए प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इन प्रयासों से प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। विशेष बधाई के पात्र स्वाभिमान और आत्मगौरव के लिए सदैव सचेत रहने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर परिक्षेत्र को 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद विदेशी शासन की क्रूरता और उदासीनता का सामना करना पड़ा था। 20वीं सदी में भारतीय दर्शन और क्रिया योग के प्रति देश और विदेश में आकर्षण उत्पन्न करने वाले परमहंस योगानंद का जन्म गोरखपुर में ही हुआ। हजरत
रोशन अली शाह जैसे संतों, मोहम्मद सैयद हसन, बाबू बंधु सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे शहीदों की स्मृतियों से जुड़ा ये गोरखपुर क्षेत्र, बाबा राघव दास जैसे राष्ट्र सेवी संत और महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली भी रहा है। मुंशी प्रेमचंद के कथा संसार में हमें गोरखपुर, खासकर यहाँ के ग्रामीण अंचल की झलक दिखाई देती है। फिराक गोरखपुरी ने इस शहर के नाम को उर्दू साहित्य में अमर कर दिया। गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस ने आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को प्रसारित करने वाला प्रमाणिक साहित्य उपलब्ध करा के अपना अतुलनीय योगदान दिया। गीता प्रेस के संस्थापक स्वर्गीय श्री जयदयाल गुणेंद्रिका का योगदान अविस्मरणीय है। गीता प्रेस से नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कल्याण ने एक बहुत बड़े देश के पाठक वर्ग को भारत की अमूल्य विरासत से जोड़ रखा है। कल्याण के आदि संपादक विद्वान मनीषी हनुमान प्रसाद पुरदार जी ने लोगों के संस्कार निर्माण द्वारा समाज को सात्विक ऊर्जा प्रदान की। मुझे बताया गया है कि सन 1923 में स्थापित किए गए इस गीता प्रेस में छपी पुस्तक प्रतियों की कुल संख्या अब 62 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है और ये बहुत बड़ी बात है। इस क्षेत्र में तथा पूरे उत्तर प्रदेश में समग्र विकास हेतु पूरी कर्म निष्ठा के साथ नेतृत्व प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रशंसा के पात्र हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने से पहले एक सक्रिय सांसद के रूप में गोरखपुर को उनका निरंतर नेतृत्व लगभग 2 दशकों से प्राप्त हो रहा था। उन्होंने राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों के साथ साथ इस क्षेत्र की समस्याओं की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया और उनके समाधान के लिए सक्रिय योगदान देते रहे। यह उत्तर प्रदेश के निवासियों का भी सौभाग्य है कि आप सबको राज्यपाल के रूप में श्री राम नाईक जी का मार्गदर्शन, जो कि एक वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्तित्व मिला है, उनका आपको सभी संस्थापक मंत्र दिव्य नाथ जी ने सेवा का, शिक्षा का एक छोटा सा पौधा लगाया और महंत अवैद्यनाथ जी ने उस वटवृक्ष का उससे वटवृक्ष बनाया। मेरा यह भाग्य था कि उनके साथ मैं संसद में साथ में काम करता था और अब मैं ये देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री बने योगी महाराज जी ने वह वही परंपरा और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाई है और इसलिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ। और इस अभिनंदन के साथ जो सभी विविध संस्थाएं हैं, उनके प्रधानाचार्य, उनके शिक्षक, संचालक, कर्मचारी और आप छात्राओं और छात्राओं का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ जिनको पुरस्कार मिले वो तो 11 लोगों को मिले, लेकिन मुझे पुरस्कार की सूची दिखाई गई तो 730 विद्यार्थी को पुरस्कार देने जा रहे हैं। और ऐसे में बिल्कुल सच बोलो तो मैं तो सबका पहले अभिनंदन करता हूँ, लेकिन अभिनंदन करते करते मुझे थोड़ी ईर्ष्या भी हो रही है। अब एक एक ने यहाँ अंदर एक एक मिनट ने इतना सुंदर भाषण किया, मुझे तो लग रहा था कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आता तो मैं भी कोई और बड़ा बन जाता। और ऐसे में मैं आपको दो ही बातें बताऊंगा। एक पहली बात यह है कि आप छात्र धर्म का पालन करें और छात्र का पहला कर्तव्य यह है कि अध्ययन करना, लेकिन
अच्छा अध्ययन करते करते दिन रात मेहनत करते करते आप किताबी कीड़े मत बनो। किताबी कीड़े बन जाते हैं साथ ही साथ यदि आप रोज व्यायाम करते हैं, अलग अलग प्रकार का अपने रुचि के अनुसार काम करते हैं तो आपका स्वास्थ्य आरोग्य यह भी अच्छा होगा और सारी जिंदगी तक आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप और अधिक काम कर सकते हैं और इसलिए स्वास्थ्य की ओर भी आपने ख्याल देना चाहिए। एक बात और मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊं, छात्र के विद्यार्जन अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और इसके साथ आपका जो व्यक्तिमत्व है वह भी अच्छा होना चाहिए। व्यक्तिमत्व अच्छा होने के मैं चार छोटे मंत्र आपको बताता हूं। पहली बात है, आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं ये मुझे पता चला, तो पहली बात यह है कि पहला मंत्र है स्माइल 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 एंड स्माइल। आप मुस्कुराते रहो, जो मुस्कुराता रहता है वह अपने आप सबको प्रिय होता है और जो प्रिय होता है वही आगे बढ़ सकता है और इसलिए स्माइल 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 एंड स्माइल। संस्थापक सप्ताह समारोह के मुख्य महोत्सव में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में बसते थे देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी का गोरखस्पीठ के इस प्रांगण में महाप्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए अत्यंत ही गौरव और आह्लादित करने वाला क्षण है जब राष्ट्रपति जी ने अपना अमूल्य समय पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था माणा प्रताप शिक्षा परिषद को प्रदान किया है। हम सब जानते हैं कि माणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 1932 में जब देश गुलाम था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखस्पीठ की ओर से डॉ महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने इस क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने के लिए किया था। वे स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, भारत के धार्मिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हुए समाज की आवश्यकता क्या है इस बात को ध्यान में रखकर के उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण के दिशा में माणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में माणा प्रताप शिक्षा परिषद ने उत्तरोत्तर प्रगति की और आज लगभग 4 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं चिकित्सा और सेवा के क्षेत्र में गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में कार्यरत करते हुए अपने उन उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है जो एक राष्ट्रभक्त नागरिक के रूप में किसी भी धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या जीवन के किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को करना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति जी के ने इस बात को अभी देखा ही है कि माणा प्रताप शिक्षा परिषद जो एक सप्ताह का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित करता है, इस प्रकार के अनेक ऐसे कार्यक्रम और फिर आप जैसे अनुभवी और देश के मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय राष्ट्रपति के रूप में आपका मार्गदर्शन जब माणा प्रताप शिक्षा परिषद जिसमें वर्तमान में 50,000 से अधिक छात्र छात्राएं उसके विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन कर रही है, आपका यह मार्गदर्शन माणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे इन सभी छात्र छात्राओं के लिए, आचार्यों के लिए, प्राचार्यों के लिए एक पाथेय होगा। वे समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान स्थिति में अपनी उस भूमिका को ढूंढ पाएंगे जिसमें ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके समाज और राष्ट्र निर्माण के इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं।